ट्रक टैंकर और छोटा हाथी चालक खानपुर के लंडौरा बस अड्डे के पास एकत्रित हुए। इस दौरान चालकों ने कहा कि केंद्र सरकार हिट एंड रन कानून बनाकर गरीब लोगों के साथ अन्याय कर रही है। चालक जोगग्गा सिंह ने कहा कि दुर्घटना होने पर अगर चालक घटनास्थल पर रुकता है तो गुस्साई भीड़ चालक को मार देगी। चालकों का कहना है कि अधिकतर चालक 8-10 हजार रुपये महीने की तनख्वाह पर काम करते हैं, ऐसे में ड्राइवर का काम छोड़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं दिखता। चालकों ने प्रदर्शन काले कानून को रद्द करने की मांग की है। ये अमित शाह जी ने ये कानून लागू किया है कि भाई छोटा मोटा एक्सीडेंट अगर होता है तो दुर्घटना होती है या तो उसे अस्पताल लेके जाओ और वरना वो अस्पताल ले जाने के बावजूद अगर हम उसको अस्पताल लेके जाते हैं तो पब्लिक हमको वहाँ मार देगी इस टाइम पर ही। अगर छोड़ के अगर भागते हैं तो क्या नाम सरकार मारती है। 10 लाख रुपए जुर्माना और 7 साल की सजा जी हमारे सब ड्राइवर भाइयों के लिए है। इसमें सारे आ जाते हैं जो हमारे ऊपर काले कानून इन्होंने बनाए हैं। हम कैसे गाड़ी चला पाएंगे? इसमें इन्होंने जो धर रखे हैं हमारे ऊपर कानून वो गलत बनाए हैं। हम तो यही कहना चाहते हैं काले कानून ये वापस लिए जाएं। ये गलत कानून है। कितना नुकसान है चालकों को इस कानून पर? तो पूरा लागू है सर ये, क्योंकि ये इन्होंने जो आना हमारे लिए जो काला कानून बनाया है वो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि हम घर में इतने बड़े इंसान तो नहीं मजदूरी करने के नहीं निकलते हैं, गाड़ी चला के अपने परिवार का गुजारा करते हैं। हम गुजारा करते हैं, हमें इतनी तनख्वाह नहीं मिलती, 5-7 हजार रुपये हमें तनख्वाह मिलती है। उसमें ही हम अगर हमारे से कोई हादसा हो जाता है तो उसमें या तो हम जेल जाओ या 10 लाख रुपए, वो हमारे पास इतना नहीं है।